जिप्सम को कब और कैसे डाले। किसान फसल उगाने के लिए सामान्यतः नत्रजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम का उपयोग करते हैं, कैल्शियम एवं सल्फर का उपयोग नहीं करते हैं। कैल्शियम एवं सल्फर संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन के मुख्य अवयवों में से है, जिनकी पूर्ति के अनेक स्रोत हैं। इनमें से जिप्सम एक महत्वपूर्ण उर्वरक है। रासायनिक रूप से जिप्सम कैल्शियम सल्फेट है, जिसमें 23.3% कैल्शियम एवं 18.5% सल्फर होता है। मृदा परीक्षण के उपरांत ही जिप्सम की उचित मात्रा निर्धारित होती है। जिप्सम को मृदा में फसलों की बुआई से पहले डालते हैं। फसलों में जिप्सम डालने से पहले खेत को पूर्ण रूप से तैयार करके जिप्सम का बुरकाव करें। इसके पश्चात एक हल्की जुताई करके जिप्सम को मिट्टी में मिला दें। जिप्सम को क्षारीय भूमि में मिलाने के लिए आवश्यक मात्रा क्षारीय भूमि की विकृति की सीमा, वांछित सुधार की सीमा तथा भू सुधार के बाद उगाई जाने वाली फसलों पर निर्भर करती है। कितना सुधारक डालना है, इसकी मात्रा का निर्धारण करने के लिए सबसे पहले कितना जिप्सम डालने की आवश्यकता होगी, इसका निर्धारण किया जाता है। जिप्सम के उपयोग में ध्यान देने योग्य बातें। जिप्सम को अधिक नमी वाले स्थान पर न रखें तथा जमीन से कुछ ऊपर रखें। मृदा परीक्षण के उपरांत जिप्सम की उचित मात्रा डालें। तेज हवा बहने पर जिप्सम का बुरकाव न करें। जिप्सम डालने से पहले अगर इसमें ढेले हैं तो इन्हें महीन कर लें। जिप्सम का बुरकाव करते समय हाथ सूखे होने चाहिए। जिप्सम का बुरकाव पूरे खेत में समान रूप से डालें। जिप्सम डालने के पश्चात उसको मिट्टी में अच्छी प्रकार से मिला दें।